जब भी आप शिफ्टिंग करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो आपका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि मेरा कीमती सामान कहीं डैमेज ना हो जाए। तो इस चीज की आपने फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि रैपिड मूवर्स कैन हेल्प यू। रैपिड मूवर्स आपका कीमती सामान बहुत प्रोफेशनली और सेफली पैक करते हैं और आपकी बताई हुई डेस्टिनेशन पे उसको अनलोड करके आपकी तरतीब के हिसाब से सेट भी करते हैं। मैंने इनकी सर्विसेज 2 दफा हासिल की है एंड आई एम हाईली सेटिस्फाइड। जब भी शिफ्टिंग करनी हैसल फ्री होके करो और कॉन्टेक्ट रैपिड मूवर्स। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम ने तारीख बना दी है और कंबोडिया को 1-0 से हरा के उनको बोल दिया है कि जा तू मेरे लेवल दानी शोरिया। पहली दफा पाकिस्तान की टीम 2026 फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर राउंड 1 को जीत चुकी है और राउंड 2 में अब जाने वाली है। अब देखें, जिसको भी जज्बा दिलाना होता है तो अक्सर हम उसको मोटिवेशनल स्पीच देते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा कर, जानी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, क्योंकि स्पोर्ट्स आप में डिसिप्लिन पैदा करती है, हिम्मत पैदा करती है, सब्र पैदा करती है, मेहनत करने का वलवला पैदा करती है और लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान में जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उनका बेड़ा गर्क ही रहा है, और उस वजह से अब अगर आप देखते हो तो हमारे जो नौजवान हैं, जो इकबाल की शाहीन है, वो लेजी हैं, उनका तो कुछ काम करने को दिल नहीं करता। लीडरशिप क्वालिटीज दूर की बात है, वो बस मुठिया मंत्री बनके अपने बिस्तर पे लेटे हुए। वो जमाने भी क्या थे कि मोहम्मद आसिफ स्नूकर के चैंपियन थे, जहांगीर खान स्क्वाश में चैंपियन थे, पाकिस्तान ने कबड्डी में 2020 में भी वर्ल्ड कप हासिल किए। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के अंदर 41 फेडरेशंस हैं। लेकिन आज आप मुझे बताओ, एक क्रिकेट के अलावा आप किसके चर्चे सुनते हो? किसी के नहीं। ये सारे क्यों तबाह हुए? जाहिर सी बात है, हराम टोपियां हुई और इन सारी स्पोर्ट्स के लसन लग गए। आओ पहले बात करते हैं हमारी कौमी खेल हॉकी की। आपको पता है हॉकी में पाकिस्तान 4 दफा वर्ल्ड कप जीत चुका है। लेकिन अब बताओ हॉकी से आपको क्या याद आता है? वही याद आता है कि यार मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, एक दफा मजनू भाई को गुस्सा आ गया, उसने मेरी टांगे 4 टुकड़े कर दी, यही याद आता है। या फिर जो बदमाश लोंडे हैं वो सिर्फ अब हॉकी अपने गाड़ी की डिग्गी में रखते हैं कि यार फड्डे में काम आ जाएगी, किसी का सर फोड़ देंगे। 2014 में हॉकी के लिए हमारी टीम सर्वाइव ही नहीं कर पाई, क्वालिफाई ही नहीं कर पाई वर्ल्ड कप के लिए। अब आप सोचें, इतनी चैंपियन टीम वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। ये इस तरह की बात है जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है लेकिन ब्राजील नहीं है। बिरयानी तो है लेकिन उसमें बोटी नहीं है। हॉकी के जितने भी ग्राउंड्स थे वो खंडर बन गए और गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड्स के नाम पे कद्दू आता रहा। ऊपर से बिल्डर माफिया ने उनको तोड़ फोड़ के वहां पे मार्किज बना दिए, भाई शादी हॉल बना दिया। अब सोचो, जहां पे पहले गोल हो रहा होता था अब दूल्हे को वहां पे उपटल लगाया जा रहा है। मतलब अब गोल तो होगा लेकिन सिर्फ दूल्हे का होगा रात को। जहां पे लोग अपनी टीम के लिए चीयर अप करते थे अब वहां पे बोले चूड़ियां पे नाच गाने हो रहे। अब आओ जरा फुटबॉल की बात करते हैं। आयरनी तो चेक करें जरा, सियालकोट में सबसे बेहतरीन फुटबॉल बनते हैं जो कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी खेले जाते हैं, और अपनी टीम वो है ही नहीं, पता नहीं गायब है। अब माशाल्लाह से नजर आई है तो हम खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इससे पहले कहां थे ये लोग? बहुत अरसे तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन PFF पे फीफा का बैन लगा रहा कि भाई वो कहते हैं हम तो उसको जानते ही नहीं, और वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर पावर की गेमें चल रही थी। अब जो फीफा की अपॉइंटेड नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी उनसे पावर खींच के एक और जनाब को हमने पावर दे दिया। नाम नहीं लूंगा मैं, हरूभरू मेरे घर पे वीगो आ जाएगी। लेकिन एक अपॉइंटेड जो उनकी कमेटी है उसको अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो उन्होंने बैन लगा दिया कि भाई फिर हम भी तुम लोग को नहीं जानते, खेलो फिर खुद ही आपस में खेलो, तुम ये फुटबॉल के लायक नहीं हो, तुम यसु पंजू खेलो बैठ के आपस में। उन्होंने हर चीज में बैन लगा दिया और ये भी कहा कि भाई जितने भी फीफा के इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे उनसे आप बायकॉट हो। अब पावे तुम रिकॉर्ड्स बना लो लेकिन हम उनको मानेंगे नहीं। तुम्हारा प्लेयर आगे बोल दे कि यार मैंने रोनाल्डो से बड़ी छलांग मार के गोल किया, हम नहीं मानेंगे भाई। अब आप सोचें, किसी के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, उसको पावर दिलाने की वजह से पोटेंशियल था कि ये स्पोर्ट्स भी ग्रो करती, वो सारा धरा का धरा रह गया। मोहम्मद आसिफ ने जब 2019 में IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीता तो उन्होंने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान ब्लेड्स एंड स्नूकर फेडरेशन को कि भाई थोड़े फंड्स बढ़ा दो यार, महंगाई इतनी हो गई यार, थोड़े फंड्स इधर भी यस कराओ। तो रिप्लाई में गवर्नमेंट ने सिर्फ उनको लॉलीपॉप दिया और कोई फंड्स नहीं बढ़ाए। इसी तरह ओलंपिक्स में भी हमने बहुत बड़ी फॉल देखी। 2016 में पाकिस्तान ओलंपिक्स में गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ही भाई किसी किस्म का कोई भी मेडल हासिल नहीं कर सका। अबे भाई कोई प्लास्टिक का मेडल ही ले आते। अब इसमें गलती हमारे प्लेयर्स की नहीं है क्योंकि इनकी जो फेडरेशन है वो ही इन्फेक्टेड है, इनके पास पुअर क्वालिटी के इक्विपमेंट होते हैं। अमेरिका में जितने भी स्पोर्ट्स के एथलीट्स उठाए जाते हैं वो कॉलेजेस से उठाए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज से उठाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे स्पोर्ट्स खेलना बहुत जरूरी है, करिकुलम का हिस्सा है। और यहाँ पे आपने देखा होगा दानियाल शेख के पॉडकास्ट में हसन कह रहा था कि यार हम जितने प्लेयर्स हैं मतलब ज्यादातर उसमें हम अनपढ़ हैं। यहाँ पे ये कि अगर आपने वो ख्वाब पूरा करना है तो फिर अपनी तालीम ही तबाह करनी पड़ेगी,
फिर ही जाके ये ख्वाब पूरे होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जाएँ और स्पोर्ट्स को अपनी एकेडमिक्स में अंदर शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि इसी से जैसे बाबा कायद ने कहा लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ पैदा होती है, डिसिप्लिन पैदा होता है, करेज पैदा होती है। अब एक और फील्ड है उसके लिए कहने में तो मुझे और हंसी आ रही है, मतलब ये अभी ये नहीं हजम हो रहा, ई स्पोर्ट्स कहाँ से इनसे हजम होगा यार, ई स्पोर्ट्स पर भी नज़र डाल दो। हमारा जो ई स्पोर्ट्स का चैंपियन है अरसलान ऐश, उसके इस तरह के ट्वीट आ रहे थे कि यार मैं तो थक गया हूँ इस पाकिस्तानी पासपोर्ट से, मुझे बाहर जाने में मुश्किल होती है क्योंकि मेरा वतन जो है वही मुझे एक प्लेयर नहीं मानता, कोई फेडरेशन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो ई स्पोर्ट्स खुद बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक इंडस्ट्री, उसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मेरा मंडेला, मेरा तंडेला नेल्सन मंडेला ने कहा था कि स्पोर्ट्स हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, इट हैज पावर टू इंस्पायर, इट हैज पावर टू यूनाइट द पीपल इन अ वे दैट लिटिल एल्स डज। स्पोर्ट्स कैन क्रिएट होप वेयर वंस देयर वाज ओनली डिस्पेयर, इट इज मोर पावरफुल देन अ गवर्नमेंट इन ब्रेकिंग डाउन रेशियल बैरियर्स। अब इसका तर्जुमा खुद ही कर लेना, लेकिन कह यही रहे थे कि स्पोर्ट्स ओवरऑल आपकी बेहतरी के लिए होती है। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि क्रिकेट के अलावा भी जो स्पोर्ट्स हैं उन पे भी नजर रखी जाएगी और उनकी तरक्की का भी सोचा जाएगा। क्रिकेट के अलावा बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके यूनिफॉर्म पे भी हम स्पॉन्सर के ठप्पे देखना चाहते हैं, वहां भी कमर्शियली सीन ऑन हो जाए तो जरा सीन ऑन हो जाए। और हमारी फुटबॉल टीम को बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन, मोर पावर टू यू बॉयज, इंशाल्लाह आगे जाके बड़ी बलाओं से मुकाबला होगा और इंशाल्लाह हम नहीं भी जीते तो भी ये भी बड़ी सक्सेस होगी कि मुकाबला हो जाए। कीप गोइंग, कीप रॉकिंग। भाई को दीजिए इजाजत, बात होती है किसी और टॉपिक पे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इसका मतलब समझे गया।